नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर्स फ्रेंड में। और आज 3 नवंबर है, तो 3 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला जो इसमें पॉइंट है वो है ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन। ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहां पर हुआ? ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। इस न्याय कौशल का जो उद्घाटन है वो किसने किया? जो हमारे 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, है ना? कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। इन्होंने न्याय कौशल का उद्घाटन किया। अब ये है क्या चीज? तो ये इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में अगर कोई भी अपनी अर्जी को लेकर के जाता है तो उसकी सीधे ई फिलिंग का सिस्टम इनने लागू किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप, जो कहां हुआ? सिंगापुर में। इसकी तीसरी बार जो लगातार विजेता रही है, खिताब जिन्होंने जीता है वो कौन है? रितु फोगाट, इन्होंने जीता है। कहां पर? सिंगापुर में। कौन से चैंपियनशिप? मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब देखें तो आज जो है 3 नवंबर 2020 में भारतीय वायुसेना, है ना, और सुखोई विमान से एक मिसाइल का परीक्षण किया गया। उस मिसाइल का नाम क्या है? ब्रह्मोस। ठीक, अब सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण किया गया वो पहली बार तो हुआ नहीं है, पहले भी हुआ है, तो इसमें खासियत क्या है? तो इसमें खासियत क्या है कि सुखोई विमान ये मिसाइल को हवा में लॉन्च कर सकता है, साथ में जो ईंधन की फिलिंग होती है वो हवा में ही हो जाती है, तो ये मोर कन्वीनियंट है। ठीक, अच्छा, अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण हुआ है वो कहां से हुआ? स्टार्ट पंजाब से स्टार्ट हुआ है और बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण हुआ है, तो इस टाइप से इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो राजस्थान से जुड़ा आज का एक टॉपिक है कि इसमें इन्होंने क्या किया कि रोक लगा दिया है। अभी दीपावली आने वाला है, है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए, कोरोना वायरस के ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने क्या किया कि पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पे रोक लगा दिया है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कुछ पॉइंट है जो हम ध्यान कर लें एक बार। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। यहाँ पे राजकोप सिटीजन ऐप, है ना, लॉन्च किया गया है। यहाँ पे स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है और आयु एवं सेहत साथी ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि राजस्थान में एक मित्र भी है, तो कौन से मित्र है वो? स्वास्थ्य मित्र, है ना, राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की गई है। तो और भी दो मित्र और हैं, कौन कौन से हैं? एक आरोग्य मित्र है और एक किसान मित्र है। तो आरोग्य मित्र कहां पे नियुक्ति हुई है? ये आंध्र प्रदेश में हुई है। और किसान मित्र की नियुक्ति कहां हुई है? ये हरियाणा में हुई है। ठीक है, तो इस टाइप से राजस्थान से रिलेटेड कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। और साथ में देखें तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं? तो एक है सरिस्का नेशनल पार्क, दूसरा है रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क, है ना, रणथंभौर नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। यहाँ पे एक पक्षी विहार पाया जाता है, उसको क्या नाम से पुकारते हैं? केवला देव भाना पक्षी विहार। ये कहां पर है? राजस्थान में। तो इस टाइप से जो है थोड़ा हमें राजस्थान से रिलेटेड ये सब बातों को ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखे तो विश्व का सबसे बड़ा जनगणना का अभ्यास अभी जो जारी किया गया है वो कहां पे किया गया है? चीन में। ठीक, तो चीन में जनगणना का विश्व का सबसे बड़ा अभ्यास जारी किया गया। तो चीन से जुड़ी कुछ बातें हैं जो देखनी है। बीजिंग, यहाँ के राष्ट्रपति जी जिनपिंग और यहाँ पे अभी एपस्टार 6D दूर संचार उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है। चीन की जो मुद्रा है वो क्या है? रेनमिनवी, है ना, मुद्रा है क्या? रेनमिनवी।
और यहां पे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च का सफल परीक्षण किया गया है। और ये कचरा उत्पादन के मामले में है ना, ई कचरा उत्पादन के मामले में ये शीर्ष पर है। अच्छा, प्लास्टिक कचरा उत्पादन के मामले में कौन शीर्ष पर है वो आप आंसर में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं बीसीसीआई से जुड़ी हुई बात। अच्छा, चीन से जुड़ी कुछ बातें और हैं कि हाई स्पीड मैंगलेव ट्रेन कितनी होगी, इसकी स्पीड किसकी, जो हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन का प्रपोजल है उसकी 2 गुनी होगी। तो ये मैंगलेव ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो चीन में लाया गया है। बीसीसीआई से जुड़ी बात है, तो बीसीसीआई का मतलब क्या है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है कि वीमेन्स T20 चैलेंज 2020 का जो टाइटल स्पॉन्सर है ना, वो कौन बना है उसका, वो जियो बना है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई, बीसीसीआई की 1928 में स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। और बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली है, और सेक्रेटरी कौन है, जय साहा है। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये SAI यानी कि क्या, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक यहाँ पे टॉपिक है कि खेल के बुनियादी ढांचों का विकास का समझौता जो हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ हुआ है। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेगा खांडू है, गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा, और यहां पे जो नेशनल पार्क है वो कौन से हैं, नामदफा नेशनल पार्क, और कौन सा यहां पे रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल। तो अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हॉर्निबल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो उसका आंसर अरुणाचल प्रदेश ना होकर के नागालैंड होगा। ठीक है, तो हॉर्निबल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अभी यहां पे क्या है कि डेपोरिजो ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, किसके थ्रू किया गया है, BRO के थ्रू, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा सम्मान, पुरस्कार का नाम क्या है, एजुत चन पुरस्कार किसको मिला है, पॉल जाचेरिया को दिया गया है। ठीक है, तो ये कहां से जुड़े हैं, सर्वोच्च साहित्य सम्मान से जुड़े हैं, तो इस तरह से इसको याद रखना है। फोर्टिफाइड चावल वितरण का आयोजन अभी किस स्टेट ने किया है, छत्तीसगढ़। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की बात है तो थोड़ा इसमें देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है, वो है भूपेश बघेल, राजधानी क्या है वो, रायपुर। अब यहां पे क्या है कि छत्तीसगढ़ में एक रायपुर और है जिसका नाम क्या है, नया रायपुर, तो उसका अभी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अटल नगर कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में क्या है कि संपदा अभियान शुरू किया गया, पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना यहां पे शुरुआत की गई, यहां पे CG हार्ट ऐप लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में, पढ़ई तुहार द्वार ऐप यहां पे लॉन्च किया गया। तो इतनी बातें हैं कि जो छत्तीसगढ़ से हमें ध्यान रखनी है। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना से। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे है यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हाल ही में अभी 2 दिसंबर तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, और लॉकडाउन इनसे पहले यानी कि UK से पहले फ्रांस और जर्मनी लगा चुका है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सर्व पावर योजना ये क्या है, इसका अभी स्टार्टिंग किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर
हर्षवर्धन सिंह ने किसके लिए, महिला वैज्ञानिकों के लिए, उनकी कन्वीनियंस के लिए, है ना। तो सर्व पावर योजना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह स्टार्ट किए हैं महिला वैज्ञानिकों के लिए। अभी टीबी रोगियों की जो खोज है उसका विशेष अभियान चलाया जा रहा है ना, जिसमें स्वर्ण कार्ड वितरण किया जाएगा। और ये कहां चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश से बात है तो इसमें देख लेते हैं कि बाल श्रमिक विद्या योजना है ना, यहाँ पे स्टार्ट की गई। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना स्टार्ट की गई है। उत्तर प्रदेश में आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है और उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो इतनी बातें हैं कि जो हमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो एमिलिया रोमाग्ना ग्रा प्रिक्स, ये किसको मिला है, ये लुइस हैमिल्टन को मिला है। और ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। इन्होंने अभी ये खिताब जीता है, एमिलिया रोमाग्ना ग्रा प्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं तो अमित पिंघाल। अमित पिंघाल कौन है, ये हमारे अपने भारत के मुक्केबाज हैं। इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है, कौन से टूर्नामेंट में जीता है, एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, है ना, एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ये अमित पिंघाल जी ने अभी जीता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें क्या है कि फ्रेशली, है ना, फ्रेशली क्या है, तैयार भोजन को सेवा, सेवा का मतलब क्या है कि वितरण करना इसका। वैसे देखे तो फ्रेशली की जो स्टार्टिंग की गई थी वो न्यूयॉर्क में की गई थी, लेकिन अभी नेस्ले कंपनी ने इस फ्रेशली का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है ना, तो अब इसका संचालन कौन करेगा, नेस्ले कंपनी करेगा। अब ये आज का क्वेश्चन आपके लिए पहेली के रूप में है कि हाल ही में अमेरिका आने वाले तूफान का क्या नाम है, पहला क्वेश्चन। और सुमंगल वेब पोर्टल किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके हेल्पफुल हो आपके लिए, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, वो भी देखें, वो भी ऐसे नोट्स बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस तरीके से करंट अफेयर्स अगर पढ़ा जाए तो बहुत ही आसानी से करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। आज के लिए हमारी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।